नमस्कार, आप देख रहे हैं खातेगांव.com। मैं आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव.com से। कोविड-19 के दौर में हम कई दिनों तक घर में रहे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हमने कई दिनों तक घर में रहकर नवाचार भी किए। जो लोग कलाकार थे उन्होंने कलाकारियां की, पर कई ऐसी चीजें भी बीच में आई जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। और इसी को लेकर आज हमारे साथ कन्नौज के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सेंसर यानी रोबोटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सेंसर के माध्यम से 2 गज की दूरी यानी शासन के जो निर्देश है, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, उसमें 2 गज की दूरी को हम कैसे मापेंगे, इसके लिए एक डिवाइस बनाया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति वस्तु उसके करीब आती है तो वह ऑटोमेटिक ही बीप करने लगता है, जिससे कि सरकार का नियम भी पालन हो रहा है और आसानी से बगैर रोक टोक के 2 गज की दूरी का हमें अनुमान भी लगाया जा सकता है। नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कन्नौज के रहने वाले धीरज शर्मा। धीरज बेसिकली एक रोबोटिक इंजीनियर है। जिस तरीके से लॉकडाउन के रहते हर व्यक्ति ने एक नवाचार करने की कोशिश की जब वो घरों में कैद था, उसी तरह धीरज ने भी एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। लॉकडाउन के दौरान धीरज ने भी एक ऐसी डिवाइस को डेवलप किया है जो 2 गज की दूरी को रहते या कोई ऑब्जेक्ट जब आपसे 2 गज की दूरी के समीप आता है तो आपको एक इंडिकेशन देता है और इसी इंडिकेशन के कारण आप कोरोना संक्रमण के फैलने से या उसके प्रभाव से, उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ये आपने जो डिवाइस बनाई है कवच, ये किस तरीके से काम करता है और कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से अपनी सहायता कर सकते हैं? ऐसा हम देख रहे हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ 2 गज दूरी भी जरूरी है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोरोना किसी भी चीज में हो सकता है, होते हैं टेबल, स्टूल, आदमी के हाथ लगाने से, आदमी के पास आने से, छींक देने से, तो इन सबसे बच दीवारों में हो सकता है। इन सबसे बचने के लिए हमको हर चीज से 2 गज की दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये डिवाइस हमको उससे 2 गज दूरी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे ही ये दूरी कम होती है तो ये बीप का साउंड देता है और रेड लाइट का अलर्ट देता है। धीरज जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपने कॉलर में लगा रखा है, कवच जिसको आपने नाम दिया हुआ है, और एक डिवाइस और भी आपके साथ में रखी हुई है, तो क्या इसका एक छोटा फॉर्मेट नहीं तैयार किया जा सकता है जो आपके अभी इस तरीके के फॉर्मेट को ही काम करे? हाँ बिल्कुल, अभी लॉकडाउन होने के कारण मुझे कुछ प्रॉपर सामान नहीं मिल पाए हैं जिसके कारण इसका साइज थोड़ा सा बढ़ चुका है। बाकी अगर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और बाहर से सामान आना शुरू हो जाता है, कुरियर चालू हो जाते हैं, तो फिर मैं इसका साइज छोटा करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, बड़ी आसानी से ये छोटा हो सकता है। और थोड़ा सा ये अभी दिखने में भी उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने सारा काम हाथ से करा है, कुछ मशीनरी का यूज़ नहीं करा है। तो बाद में जैसे हम 3D प्रिंटर वगैरह भी यूज़ करके इसका केस अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। और रही बात इस डिवाइस की, तो ये पूरा डिवाइस जो इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये डिवाइस भी छोटा होके कंप्रेस होके बिल्कुल एक उंगली के बराबर का हो जाएगा और वो इसी के पीछे लग जाएगा। और अभी मैंने इसमें नॉर्मल सेल्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेल भी मुझे अभी प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो बाद में वो सेल भी मैं इसी में लगा दूंगा तो वो भी इस डिवाइस के पीछे हो जाएंगे। तो बाद में ये फिर बिल्कुल एक माचिस की डिब्बी या उससे भी छोटा हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप इसमें बता रहे हैं कि आपने 2 गज दूरी को इसमें मेंटेन किया हुआ है एक संकेत देने के लिए, तो क्या यदि मैं चाहूँ कि मेरे को और भी थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है तो उसमें वो सेंसर में आप सेट कर सकते हैं कि इसको अपन डिस्टेंस और ज़्यादा कम कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो मैंने प्रोग्रामिंग करी है वो ऑर्डिनो, एक सॉफ्टवेयर आता है ऑर्डिनो ID, उसी पे इसकी कोडिंग हुई है सारी। और उसमें हम नॉर्मली जैसे अभी मैंने 125 सेंटीमीटर जहाँ पर लिख रखा है कोडिंग में, उसी को हम बढ़ा देंगे तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। उसको अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो वो डिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये हम बड़ी आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। धीरज जी, एक बार आपके इस डिवाइस का हम प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे कि किस तरीके से काम करती है। मोमेंट के साथ धीरज जी वहाँ खड़े हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो दूरी है इसको कम करें और फिर इनका इंस्ट्रूमेंट काम करता है कि नहीं करता है ये हमको समझ में आएगा। अब जैसे ही हमने एक कदम बढ़ाया तो इनका जो रेड सिग्नल है, आप इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखेंगे कवच के, तो ये रेड सिग्नल जो है वो बीप करने लग रहा है, आवाज भी आ रही है और रेड लाइट भी जलने लग रही है। तो डेफिनेटली इन्होंने जो सेटिंग करी हुई है वो 2 गज की दूरी से जैसे ही मैं आगे आता हूँ और ये इनका सिग्नल जो है वो बीप करना चालू कर देता है। तो अभी जिस तरीके से गाइडलाइंस आ रही हैं,
उस हिसाब से अपन देखें तो ये बहुत सही डिवाइस है जो आगे जाके एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस के रूप में काम कर सकता है। एक यदि इसका रूप थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो पहनने में भी आसान रहेगा और हमको इंडिकेट करता रहेगा यदि कोई व्यक्ति 2 गज की दूरी से नजदीक आपके आ रहे हैं तो।